हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश आर्टिस्ट आरके। पिछले जो मैंने वीडियो को अपलोड किया था बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों के कैरियर के बारे में, मैंने उसमें बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपना रूटीन प्लान लेकर आऊँगा कि मैंने कैसे रूल फॉलो किया। तो अगर आप सभी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो मैं 5 शर्त लेकर आज आया हूँ, नियम लेकर आया हूँ जिस पर आपको फोकस करना होगा। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो? हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा महान काम करे, मैं बच्चों के नाम से जाना जाऊँ कि ये मेरा लड़का है। जब कहीं पर होता है कि इस बच्चे के पिता हैं ये, तो बच्चे के जब नाम से हम लोग जाने जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। और हर किसी का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, लाइफ में कुछ बड़ा करे, बड़ा बने। तो इसमें हम लोग क्या दायित्व है एक गार्जियन होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते? तो मैं 5 नियम लेकर आया हूँ, उस पर अमल करना होगा, ध्यान देना होगा। दोस्तों, इफ यू वांट टू मेक द करियर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन, देन डोंट डिले, देर मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो 5 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि बच्चों को प्रत्येक दिन, बच्चों को प्रतिदिन आपको 2 घंटे देना है। आप सुबह में 1 घंटे, शाम में भी 1 घंटे दे सकते हो। अगर आप 2 घंटे प्रतिदिन अपने बच्चे को देंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जब आप उससे डिस्कशन करेंगे, जब आप उसके साथ टाइम व्यतीत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा मेरा क्या है और क्या करना चाहता है, बच्चा मुझसे क्या चाहता है। अभी के समय में सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम सभी, अगर बच्चे का करियर कहीं बर्बाद होता है, कहीं फेलियर होता हुआ अपने लाइफ में, तो 100% हम गार्जियन जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं देते हैं, उनको समझते नहीं हैं। बच्चे मिट्टी का घड़ा है, जैसे आप उसको ढालिएगा उसका शेप वही बनेगा, बच्चे वही बनेंगे। तो पहला मैंने बोला कि उन्हें 2 घंटा आपको देना है, चाहे आप अपने प्रोफेशन में कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको अपने बच्चे को अगर कुछ भविष्य में बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अच्छा बनते देखना चाहते हैं, तो 2 घंटे आपको जरूर देना होगा। ये तो पहला नियम। दूसरा, उसकी खान पान पे भी ध्यान देना है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। उसे हमेशा हेल्दी फूड मिलना चाहिए। फास्ट फूड से आप बिल्कुल उसे दूर रखें। अगर उसे आप फिट तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, एक स्मार्ट कैरियर अगर चाहते हैं, तो फास्ट फूड को तो भूल ही जाइए। फास्ट फूड जस्ट लाइक पॉइजन। खाने में तो बहुत मज़ा आता है, और आज के बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर किए, घर पे आ गया। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल फिटनेस को लेकर जूझ रहे हैं, बीमार हैं, उन्हें फास्ट फूड या वह तैलीय चीज़ खाने से उनका वजन बढ़ा है, अब उसे मेकअप करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मेंटली अगर आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप हर फील्ड में सक्सेस हैं। तो दूसरा नियम कि उनके खान पान पर खास ध्यान देना होगा। तीसरा, प्रतिदिन सुबह में उन्हें स्प्राउट खाने की आदत लगाएं। जैसे हमारे घरों में अवेलेबल है मूंग का दाल, नहीं भी है तो हम मार्केट से परचेज कर लेंगे। स्प्राउट कैसे देना है, कैसे बनाना है? तो रात में भिगोना है मूंग को, और जब वो अंकुरित हो जाए तब उसे उसे सर्व करना है प्लेट में,
ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चम्मच भी अगर बच्चे खाते हैं तो बहुत है उनके इच्छा अनुसार। किशमिश रात में भिगोकर, कच्चा बादाम उसको भिगो लीजिए, खजूर जो मार्केट में अवेलेबल है, ये सब चीज़ों को मिक्स करके एक स्प्राउट का एक प्लेट बनाइए और प्रतिदिन उन्हें खाने की आदत लगाएं। कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है। आज का जो दौर है उसमें बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं बाजारू चीज़ खाकर, तो नहीं। अगर उन्हें एक सक्सेस कैरियर देना है, एक स्मार्ट कैरियर देना है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा। चौथा, सुबह उठने की आदत डालना। जब हम उठेंगे तभी तो बच्चे उठेंगे, अगर हम लेट उठ रहे हैं तो बच्चे भी लेट उठेंगे। तो सबसे बड़ा गुरु और मेंटर सबसे पहले गार्जियन होते हैं। माँ बाप का दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला गुरु माँ बाप ही है। तो सबसे पहले उठने की आदत, सुबह में उठने की आदत, बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि लेट उठना, जैसे तैसे तैयार होना और स्कूल भाग जाना। नहीं, आप अगर उसे सुबह उठने की आदत डालते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग वॉक अगर आप नहीं करते हैं, गार्जियन भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस अपने कामों से थके हुए सोचते हैं कि थोड़ा देर और लेट जाएं और जैसे तैसे तैयार होकर अपने ड्यूटी पे निकल जाते हैं। नहीं, आपको उठना होगा, जब आप उठेंगे तभी बच्चे भी उठेंगे। आप जो करते हैं वही बच्चे भी फॉलो करते हैं। बच्चे एकदम कोरा कागज हैं, उनका दिमाग एकदम ब्लैंक खाली होता है। हम लोग जो उसके दिमाग में भरते हैं वही उपज बन के, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो एक माहौल क्रिएट करना है, खूबसूरत माहौल बनाना है, संस्कारिक माहौल बनाना है। उसे हम क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? सुबह उठने की आदत, मॉर्निंग वॉक, योगा करना सिखाइए, जिसमें सिंपल आसन, जो बेसिक आसन है वो करवाइए, ध्यान करवाइए, मेडिटेशन, कम से कम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए। चौथा नियम हो गया। पांचवा, जो मैंने ये सारी चीज़ों को बताया उसको नियमित रूप से फॉलो करना। जो मैं चारों नियम बताया उसको नियमित रूप से रूटीन वे में काम करना। जब आप इन सारी चीज़ों को बच्चों के साथ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बच्चे फिट, तंदुरुस्त, फुर्तीला खुद दिखने लगेंगे। हमने ऑब्जर्व किया है, मैं एक टीचर हूँ तो मैं स्कूल में देखता हूँ बच्चों को कि कोई बच्चे ना उनको पढ़ने में मन लगता है, ना खेलने में मन लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकल फिट नहीं है, अंदर से मजबूत नहीं है, उसका बेस हम सभी ने मिलकर कमज़ोर कर दिया है। तो नहीं, सबसे पहले हम सभी गार्जियन को पेरेंट्स गाइडलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर बच्चों का कैरियर बनाना है, बच्चों को स्मार्ट बनाना है, तो हम सभी को जागना होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं। अगर नियमित रूप से 1 महीने में अगर इस चीज़ को आप दोहराते हैं जो मैंने बताया, क्योंकि दोस्त मैंने वो फील किया है, उसको महसूस किया है। आज मैं 3 से 4 सालों से अपने बच्चे के साथ लगा हुआ हूँ, नियमित, किसे मन नहीं करता क्या आराम करें, सुबह का नींद किसको खराब करने में अच्छा लगता है।
लेकिन ख़राब करके देखो दोस्त, फिर देखो क्या कारवा बदलता है, वो जो आनंद आएगा। मेरे कई दोस्त फ़ोन करते हैं कि यार तुम थकते नहीं हो, तो हाँ थकते तो थे लेकिन अब नहीं थकते हैं। अब जब अपने बच्चे का उपलब्धि देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो मज़ा आता है, उससे ज़्यादा जोश और जुनून से काम कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध हो कि जो भी रिक्वेस्ट है, कि जो भी मैंने बताया, उन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि बच्चे का रिजल्ट कैसे मिलेगा। एक महीने में जब आप परिवर्तन देखेंगे, तो जब साल गुजरेगा उसके बाद फिर जो रिजल्ट मिलेगा आपको, आप बच्चे का एक्टिविटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब देखकर दंग रह जाएंगे। फिर अपने आप बोल उठेंगे, वाओ आई कांट बिलीव इट। तो आज के लिए बस इतना ही, इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नया आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह पॉजिटिव वीडियो लेकर, पॉजिटिव खबरें लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच।